तो गाइस फाइनली मैंने अपने चेहरे का मास्क उतार दिया है जो कि सामने देख रहे हो। और आपको ये भी लग रहा होगा कि मैं अपने घर पे करके आ रहा हूँ, तो भाई देखो मैं घर पे आ गया हूँ अपने। लेकिन मैं इस घर में जल्दी इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे पता चला है कि मेरे आइलैंड के पास ही एक मशरूम आइलैंड है जहाँ पर मुझे जाना तो बनता है भाई। और बाहर देखो यार मैंने सब कुछ तो कर ही दिया है, ये सनफ्लावर भी लगा दिया, सामने मैंने बीट रूट के भी बीज लगा दिए है। तो चलते हैं तैयारी करते हैं फटाफट से। मेरे को एक शावल बनाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ माइजेलियम लाने वाला हूँ मैं बहुत सारी, और मेरे को एक सिल्टर चाहिए। वैसा हमारी बिल्ली भी यहीं पर ही है, बहुत बढ़िया। तो भाई पहले बिल्ली को खाना खिला दूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया इसको खिलाए हुए। और मुझे पता है फार्म भी चल के तैयार नहीं हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस फार्म में भी। मैं इसको कर दूंगा यार ठीक। और जो मैं स्टोन कटर लाया था इसको भी मैं सही सी जगह पे रख दूँ। वैसे स्टोन कटर की मैं बात बता दूँ, ये मैं लाया क्यों था, तो यार देखो जब एक ब्लॉक होता ना, हम एक ब्लॉक से भी स्टेयर बना सकते हैं, मतलब 9 ब्लॉक से 9 स्टेयर बनते हैं, तो ये फ़ायदा होता है इसका कि हम ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं। और अभी फ्री में मिल गया तो मैं ले आया। तो ठीक है पहले मैं क्या करता हूँ, मैं लकड़ियाँ बना लेता हूँ, और लकड़ियों से मुझे बनानी है बहुत सारी स्टिक क्योंकि ज़रूरत पड़ने वाली है। और एक शावल बना लूँ मैं, वैसे शावल बनाना इजी होता है बहुत ज़्यादा। और अभी अभी मैं एक ये भी लाया था एफिशिएंसी 3 वाली बुक जो कि मैं नीचे से लाया था AF के फिशिंग फार्म से, और मैं इसको डालने वाला हूँ। और मेरे पास एक सिल टच भी रखी हुई है, पहले मैं देख लूँ इसमें कौन कौन से इंचेंटमेंट आ रहे हैं। और इंचन है, फॉर्चून है, अनब्रेकिंग है, फॉर्चून अनब्रेकिंग 3 भी है वो भाई, लेकिन लेवल नहीं है भाई इतने। ओके तो एक काम करता हूँ मैं अनब्रेकिंग ही डाल लेता हूँ इसमें क्योंकि उससे लेवल बचेगा हमारा, एक ही लेवल में मिल जाएगा अनब्रेकिंग, और चाहिए क्या भाई। ओके ओ भाई सब इसमें एफिशिएंसी 2 डल के आ गई। भाई बहुत बढ़िया मज़ा आ गया यार, एफिशिएंसी 2 आ गई फ्री में। मैं तो इसमें 3 डालने वाला था लेकिन अब इसमें 3 नहीं डाल सकता भाई, इसको साइड में रखो क्योंकि जब इसमें 3 आ जाएगा ना एफिशिएंसी 3, तो इसमें 3 मिला के मैं 4 कर दूंगा तो फ़ायदा रहेगा, और वो देखेंगे बाद में। और इसमें मैं पहले सिल टच डाल लूँ, नॉक बैक है ये, अरे ये भी नहीं चाहिए मेरी, हाँ ये रही सिल टच, इसमें फायर एस्पेक्ट भी है लेकिन कोई नहीं। और देख लूँ मेरे पास कोई एफिशिएंसी है और नहीं, और तो नहीं है। अगर होती ना एक एफिशिएंसी और 2 लेवल की तो इसको 3 बना देता मैं, पर अभी है नहीं। चलो भाई कोई नहीं, इसमें फटाफट से डालो सिल टच। ओ भाई 5 लेवल, कोई नहीं। ओके अब मैं एक चीज़ और सोच रहा हूँ, मेरे पास एक अनब्रेकिंग 1 की भी बुक है, वो भी इसी में डाल लूँ, ये रही अनब्रेकिंग 1 की जो कि मेरे को ट्रेजर में मिली थी, और अनब्रेकिंग 1 भी आ जाएगा इसमें। ओके दोनों चीज़ें आ गई है भाई, अनब्रेकिंग 2 भी हो गया, एफिशिएंसी 2 भी हो गई है, और सब कुछ है अभी। और मेरे पास शायद से और नहीं है एफिशिएंसी, अगर होता ना तो सही में मज़े आ जाते। कोई नहीं एफिशिएंसी 3 को संभाल के रखते हैं और देख लेते, और कुछ ले जाना ले जाना ठीक है, मेरे पास खाना वाना तो सब कुछ है। और ये पता नहीं यार क्या, और अरे भाई निकल ले यार, हद होती है भाई ये यार, सही में ग्लिच है, बाहर कुछ भी नहीं है फिर भी यार इतना ग्लिच है कि मैं जंप कर रहा हूँ बिना फालतू में, नीचे कोई ब्लॉक नहीं था फिर भी जंप कर रहा हूँ। कोई नहीं चलते अभी और बोट पे चलते हैं, ये रही मेरी बोट, और मेरी एक और बोट थी वो पता नहीं यार कहाँ पे छोड़ के आ गया मैं, लेकिन मैं इसी बोट पे चल रहा था काफ़ी टाइम से, तो यही चलाऊंगा मैं, वैसे तो इसी में घूम रहा था मैं बहुत देर से। और देखता हूँ मेरे को कोऑर्डिनेट, हाँ इस तरफ थोड़ा सा, इस तरफ हाँ ठीक है, इस तरफ जाना है, हाँ ठीक है। मेरे को पता है क्या करना है, जो मेरे पहले वाले कोऑर्डिनेट है वो 300 तक ले जाने, और दूसरे वाले मेरे को 17 तक ले जाने हैं। और मैं करूँगा क्या कि जो ये एरिया है ना इसको पूरे को बदल दूंगा मैं एरिया, और जितने भी गड्ढे वड्ढे दिख रहे हैं ना सारे के सारे भर दूंगा मैं, तब मस्त लगेगा। तो निकलते हैं अभी सीधे, और यहाँ पर एक कछुआ है भाई, मैं एक काम करूँ इसको कछुए को देखूँ अंदर लेके, मतलब कि अगर ये इसमें आ जाए तो अच्छा रहेगा भाई, क्योंकि अपडेट आया शायद से इसमें आ जाए। अरे अरे ये यार हद होती है भाई, वो कछुआ भी भाग ही गया भाई, किस्मत ही ख़राब है। कोई नहीं अपने चलते हैं, सामने भी आइलैंड है। अभी मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एक पेड़ चाहिए, पेड़ मिल जाए ना तो मैं एक बेड बना लूँ, मैं बेड लाना भूल गया भाई वैसे। अरे भाई ये दूसरा वाला है, हाँ शायद से दूसरा वाला है, ठीक है क्योंकि पहले वाला तो हमारे घर के पास है, दूसरे वाला है। ओके तो पेड़ भी मिल गया है, बहुत बढ़िया। हमारे पास वैसे बहुत सारी वूल है, 8 मैं वूल लेके आया हूँ, वैसे मैं 8 वूल लाया हूँ, और मेरे ख्याल से मेरे को 3 ही ब्लॉक की ज़रूरत है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, हाँ 3 ही बहुत है। तो मैं एक टेबल बना लूँ और इससे मैं एक बेड बना सकता हूँ, 2 बेड बना सकता हूँ वैसे, लेकिन एक ही की ज़रूरत है, टेबल को भी रख लूँ भाई। ये क्या है भाई, ओ भाई मेरी टेबल कहाँ है भाई, यार इतने ग्लिच भरे हुए हैं भाई साहब। ठीक है कोई नहीं चलता है, अब निकल लो यहाँ से और चलते हैं सीधे अपने मेन कोऑर्डिनेट पे। और नीचे मेरे को एक रूइन दिख रहा है भाई, मैं सोच रहा हूँ उसमें जाऊँ, या जाना तो बनता है क्योंकि अब मेरे पास सूट है तो मैं जा सकता हूँ कहीं भी। चलते हैं फिर नीचे,
और पहले तो इसको निपटाना पड़ेगा भाई। आ जा भाई। अरे ये डॉल्फिन मेरे को दिक्कत करवा देगी, निकल ले भाई पहले तू। ये डॉल्फिन अगर सामने आएगी ना सही में दिक्कत बहुत करेगी। और यहाँ से भाई खुदाई कर लो पहले। वैसे ही मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं, मेरे को मेरा शॉवल चाहिए। हाँ अभी सही काम होएगा, इसमें एफिशिएंसी 2 भी है वैसे। और यहाँ पर यार कुछ है ही नहीं, यहाँ पर एक और है, मैं दूसरे में देख लूँ, पर पहले इस नमूने को निकालना पड़ेगा भाई। यहाँ पर आयरन है यार, कहाँ पर है खजाना? मैं सही से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? मेरे ख्याल से यहाँ पर तो है नहीं। ये रुइंस भी वैसे टूटा फूटा है, मेरे को तो नहीं लगता यहाँ पर कुछ मिलेगा। नहीं है यार यहाँ पर कुछ। कोई नहीं भाई, अपनी बोट पकड़ो, निकलो यहाँ से। और मेरे को सामने एक आइलैंड और दिख रहा है। Really, nigga? ये आइलैंड ही है भाई, ये आइलैंड नहीं, ये तो डिजर्ट आ गया है। ठीक है, ये छोटा सा ब्लॉक दिख रहा था भाई, मुझे लगा आइलैंड है। कोई नहीं, पूरा ये सुई को पार करूँगा फिर मैं, और अंदर ही अंदर जाना है बस। अब यार ये रात भी ऐसे टाइम पर रात होती है, फटाफट से सो लो भाई, जल्दी जल्दी सो ले। अरे यार कितना टाइम लेगा, अभी जल्दी से सो ले यार। तो वैसे भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, और अगर यहाँ पर डिजर्ट टेम्पल मिल जाता तो और भी अच्छी बात है, पर मुझे पता वो नहीं मिलने वाला क्योंकि लक खराब है हमारा। बड़ी मुश्किल से तो एक मिला था। ओके, सामने ग्लेशियर भी एक, और अकेशिया बायोम भी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पार करते चलेंगे। अगर डोंकी मिल जाएगा ना तो मज़ा आ जाएगा भाई, मैं डोंकी में भर भर के ले जाऊंगा सामान। इसलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी सी लकड़ी और ले लूँ, कम से कम 2 लोग और ले लूँ, क्योंकि उससे मैं चेस्ट बना पाऊंगा आगे, अगर मेरे को डोंकी मिलता है तो। तो ये मैंने पूरी छानबीन कर ली भाई, मेरे को कुछ नहीं मिला, अब मेरे को यहीं से ही जाना पड़ेगा। और मैं आते वक्त ना यहाँ से ब्लॉक लेके जाऊँगा, मेरे पास सिल टच है तो लेके जाऊँगा। वैसे पिकेक्स होती तो जल्दी ले पाता, पर कोई दिक्कत नहीं है भाई, सिल टच है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से लेके जाऊँगा थोड़े बहुत ब्लॉक। और नीचे एक रूइंस भी है भाई, मेरा मन तो नहीं कर रहा जाने का, पर भाई जाना पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा क्या इसमें। और भाई इसमें दो दो रूइंस एक साथ जुड़े हुए हैं, या एक ही रूइन है? मेरे ख्याल से दो है शायद से, पता नहीं, एक बार देख लूँ अंदर क्या है। ओके, ओ भाई यहाँ पे प्रिज्मरीन ब्लॉक क्या कर रहा है भाई? यहाँ ओशन मैनेजमेंट तो नहीं दबा हुआ? अरे नहीं भाई। ओके, खजाना मिल गया, बहुत बढ़िया। अब एक बार मैं सांस ले लूँ ऊपर जाके। ओके यार, इतना कोई खास खजाना है नहीं, और इसमें अनब्रेकिंग टूल लूर 1 बिल्कुल बेकार है। नीचे देख लूँ, नीचे तो कोई चेस्ट नहीं है ना? नहीं नीचे नहीं है यार, ये दूसरा रूइन है, इसमें भी देखने का मेरा मन कर रहा है, पर मुझे पता है ये एक ही रूइन है। कोई नहीं यार, निकलते हैं यहाँ से। और भाई निकल ले भाई। ओ भाई यार मैं तो फंस गया यार, कहाँ से? अरे भाई ओके ओके ठीक है भाई, जल्दी ऊपर पहुँच ले। चलो भाई, मेरी रेस्पिरेशन ने थोड़ा सा बचा लिया मेरे को, नहीं तो भाई मरता मैं यहीं पर ही। ओके, तो मैं कोऑर्डिनेट के पास आ गया हूँ, बस मेरे को 1700 के पास जाना है, और शायद से यहीं से ही आइलैंड दिख जाए क्योंकि वो तो सेंटर बताता। ओके ओके, ओ भाई साहब दिख गया, ठीक है तो आ गया हूँ। वैसे मैं 1700 कोऑर्डिनेट थे, ये 1500 पे ही है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनली आ गया हूँ मैं मशरूम आइलैंड पे, जहाँ पर ये काओ भी है। मैं काम करता हूँ, इस काओ को पहले किडनैप कर दूँ। आ जा भाई अंदर, सीधा अंदर हो ले भाई। बैठ जा भाई। ओके, इसको तो किडनैप कर लिया, अब एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं ले लेता हूँ थोड़ी सी माजले। और ये क्या भाई? ओ भाई, यहाँ पर केव भी होती है। तो एक चीज़ बता दूँ यहाँ की मैं खास, कि यहाँ पर मोब स्पॉन नहीं होते हैं, बस फैंटम का नहीं पता मेरे को, क्योंकि वो ऊपर स्पॉन होते हैं, बाकी इस पे कोई स्केलेटन ज़ोंबी स्पॉन नहीं होता, यही खास बात होती है माइजीलियम की। तो यहाँ पर अगर घर बनाओगे ना आप कभी, तो बचे रहोगे हमेशा स्केलेटन और क्रीपर वगैरह सभी से। और अब मैं काम करता हूँ फटाफट से, मैं यहाँ से ले लूँ, अब जितनी हो सके उतनी ले लूँ, बस पहले मुझे कचरा निकालना पड़ेगा सारा। बहुत सारी चीज़ है, रेत भी फेंक दो, ये भी वूल भी फेंक दो, ये भी फेंको, और क्या फेंक सकते यार, मैं एक ग्रेवल भी फेंक देता हूँ। अब लेते हैं फटाफट से, जितने स्लोट खाली हुए हैं उन सब में एक एक स्टैक डालूंगा और यहाँ से निकल लूँगा। तो कितने हुए अभी? अरे अभी तो भाई हुए ही नहीं है, 2 स्टैक हुए हैं, फटाफट से लो भाई। तो मेरे ख्याल से अब हो गए होंगे स्टैक। ओके ठीक है, चलेगा, इतना चलेगा कि पूरे ही भर गए हैं भाई। और अब निकल लो भाई यहाँ से, सीधा जाऊँगा अपने घर की तरफ। पर मैं काम करूँगा, जो मेरे को अकेशिया बायोम दिखी थी ना, वहाँ दोबारा से जाऊँगा, क्या पता वहाँ पर मेरे को डोंकी मिल जाए, क्योंकि डोंकी की ज़रूरत है यार मेरे को। जैसे मैसो बायो मिलती है ना, तो वहाँ से ब्लॉक उस पर उठा उठा के लाऊंगा भर भर के। और मैं यार देखो एक काम कर रहा हूँ, मैं अपने इस काव को मार रहा हूँ, इसका रीज़न ये है। इसको यार कब तक उठा के लेके जाऊँगा, अभी तो मेरे को आगे तक जाना है, अंदर तक जाना है। और रीज़न एक ये भी है कि जब तक वहाँ पर माइजेलियम का कुछ बनता नहीं है आइलैंड वगैरह, तब तक इसको रख के कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं यहाँ पर देख लूँ भाई, मेरे को डोंकी मिल जाए एक, बस एक डोंकी चाहिए भाई। वो क्या है भाई? अच्छा ये तो ग्लिच है, ठीक है। ओ भाई हमें यहीं पर ही मिल गया, बहुत बढ़िया।
एक कोर मिल गया हमें आउटपोस्ट, और चलो भाई लूटते हैं, पहले तो इन नमूनों को निपटाओ। अरे काव हट जा भाई सामने से यार, कितने में मरेगा भाई, मर जा यार। ओके ये 3-4 में मरा, ऊपर उसका ओनर भी है। अभी देखना पड़ेगा यार कहाँ से जाए, पीछे से जाऊँ कि कहाँ से जाऊँ। पीछे शायद से रास्ता तो होना चाहिए। नहीं यार कोई रास्ता नहीं है, अब यहीं से ही जाना पड़ेगा। अब अंदर घुस लो, पहले मैं काम करता हूँ, मैं सो लूँ भाई फटाफट से, अब रात भी हो रही है, बहुत देर से मैं ऐसे ही घूमे जा रहा हूँ, बस मैं खतरा नहीं होना। अरे घुस ले भाई यार, ये क्या दिक्कत है भाई, सही में यार इतनी दिक्कत होती है जंप की। या कोई है तो नहीं, मैं इसको बंद कर दूँ माइजीलियम से ताकि कोई आ ही ना पाए अंदर। और नीचे चला गया ओनर इनका, कोई नहीं। अरे कौन है भाई, अरे ये कैसे आ गया भाई। अच्छा ये शायद बाहर होगा। ओ भाई दो दो हैं यहाँ पर, एक मिनट। अरे मर जाओ भाई, मर जा तू भी, मर जा जल्दी, मर जा भाई, अरे मर जा यार। एक और आ गया यार, कितने हो तुम यहाँ पर, कितने हो भाई, फटाफट से मरो भाई। ओके और कोई तो नहीं है ना मेरे ख्याल से, ऊपर एक और होना, नहीं ऊपर का, हाँ एक और है ऊपर भाई। अरे रुक जा यार, मैं मार कैसे रहा हूँ भाई, उल्टे सीधे मारे जा रहा हूँ, मर जा भाई। जाने में क्या है, अरे यार कुछ है नहीं, मैं बोटल ऑफ इंचेंटिंग को तो यहीं पर यूज़ कर लूँ। मैं यहाँ से नीचे कूदूँ यहीं से, अरे अरे यार अच्छा एक ऊपर है और है, मुझे लगा मेरे को हिट किसने दिया है। ये आया क्यों नहीं था फिर सामने भाई, और तू भी आ जा भाई। ओ भाई इंचेंटेड दे दे भाई मेरे को ये, अगर मेरे को मिल जाएगा तो इंचेंटमेंट। ओ भाई दे भी दिया, बहुत बढ़िया। एक बार देख तो लूँ यार इसमें क्या है, मैं अपनी तलवार फेंक दूँ यार, मेरे को ज़रूरत नहीं है वैसे। अनब्रेकिंग 2 भी है इसमें, ओ भाई क्विक चार्ज पियर्सिंग 2 दोनों चीज़ें हैं, बहुत बढ़िया, ये हमारे काम आएगा, इसको रख लूँ मैं। और अभी सीधे निकलते हैं अपने घर की तरफ, और जाना किस तरफ है, यार इस तरफ कोऑर्डिनेट जा तो रहे, नहीं यार इस तरफ नहीं जाना, हमें उसी तरफ ही जाना है। और इनका ओनर अभी तक बचा हुआ है यार, ये क्यों दिक्कत होती है भाई, देख रहे हो भाई अब लगा है उसको जाके। और ये कुछ कर क्यों नहीं रहा है भाई, अरे तू भाग क्यों रहा है भाई, इसके सारे दोस्त मर गए इसलिए भाग रह गया यार, इसको तो मारना चाहिए मुझे, ये कुछ कर ही नहीं रहा है। बहुत बढ़िया मेरे को बैडोमैन मिल गया, तो ओनर को मारने से तो मिलता ही है वैसे। अब निकल लो यहाँ से भाई, मैं मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई डोंकी वोंकी मिलने वाला है। अब यहाँ पर ग्लेशियर में आ गया ना तो मैं फटाफट से बर्फ़ ले लूँ, ऐसे पिकेक्स होती तो स्पीड बढ़ जाती, पर कोई नहीं। और ये मेरे पास आ ही नहीं क्या, अरे स्पेस क्या खाली करूँ। और अब निकल लो यहाँ से भाई, बोट लगाओ और सीधे निकलो। ओ भाई इतनी स्पीड से चलती है, वैसे तो स्पीड से ही चलेगी बर्फ़ पे। और नीचे रूइंस भी है भाई, रूइंस की पूरा एरिया है, पर मैं अब जाने वाला हूँ नहीं भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे डूबा हुआ कोई शहर हो। और वो रहा हमारा आइलैंड भाई, दिख गया, बोट को यहीं साइड पे लगाओ। और अभी करना क्या है, मैं सबसे पहला काम कि ये जितनी भी माइजीलियम लाए है ना, सारी तो नहीं लगाने वाला मैं, पर जितनी भी है इसको यहाँ पर फिल करने वाला हूँ, और जितनी हो सके सारी फिल करूँगा, जितने भी गड्ढे वड्ढे हैं ना सभी फिल करूँगा। और ज़रूरी नहीं है उल्टे सीधे लगे, कैसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे को इसको थोड़ा सा बड़ा करना है। और मैं काम और करता हूँ, मेरे पास जो डर्ट है ना, मैं डर्ट भी लगा दूँ इसी में, क्योंकि डर्ट ना माइजीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी अपने आप ही, तो डर्ट भी माइजीलियम में बन जाएगी। और इसको थोड़ा मेरे को आगे तक ले जाना पड़ेगा, बाकी जितने बचेंगे ना ब्लॉक उतने का मैं करूँगा क्या कि मैं इन पर थोड़ा सा आइलैंड टाइप का कुछ बना दूंगा, छोटा मोटा सा। ओके ये आगे से मैंने इतना बड़ा कर दिया, बहुत है अभी। और थोड़ा सा मुझे पीछे से भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये खाली खाली सा लगता है, चलने की जगह भी नहीं है यहाँ पर, इसलिए मेरे को ये भी करना पड़ेगा। तो ये हमारा काम हो गया है। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं माइजीलियम ब्लॉक लाया क्यों, तो यार बता दूं कि मेरे को बहुत सारी मशरूम चाहिए। मशरूम का फ़ायदा क्या होगा कि मैं एक स्पेशल स्टू बना सकता हूं, जो कि स्पेसिस स्टू होता है, ऐसे ही कुछ नाम होता है, तो वो मैं बना पाऊंगा, उसमें पावर्स होती है और वो मुझे यूज़ करना है भाई, देखना एक बार चेक करके। और इसलिए मेरे को मशरूम चाहिए बहुत सारी, वैसे तो अभी भी उगा सकता हूँ, मेरे पास दूसरे वाले ब्लॉक है उन पर भी उगा सकता हूँ, लेकिन भाई मैं आइलैंड भी बनाऊँगा क्योंकि मेरे को काओ भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आज के लिए बस इतना ही, ले लेने गेमिंग एपिसोड में।